स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू वन मोर इनफॉर्मेशन डाबर्ड एडमी जस्ट यस्टरडे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस्ड राउंड थ्री फॉर ऑल इंडिया स्कूल ईग काउंसलिंग विच मीन ऑल बीन एलोकेटेड सीट्स इन राउंड वन एंड टू एंड नाउ इन अ प्रायोरिटी ऑर्डर लॉक देर चॉइसिस फॉर ओल्ड सैनिक स्कूल एज वेल एज न्यू सैनिक स्कूल वेदर बॉयज और गर्ल्स फॉर क्लास सिक्स एंड क्लास नाइन एंट्रांस एग्जाम इन टूडेज वीडियो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज आज की वीडियो हम आपको बताएंगे आप यूजिंग डाटा डाटा सच एज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल कैटेगरी वट इज योर जेंडर विद स्कूल यू शुड चूज एट द सेकेंड पॉजिशन थर्ड पोजिशन इन सब के बारे में बड़े ही बारीकी में बात करेंगे सो दैट ए पर्सन हु वॉचिज दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू शुड हैव ए ग्रेट क्लैरिटी कि आपको कौन से स्कूल के लिए नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव पोजिशन पर लॉक इन एंड सो ऑन इन पोजिशन पर लॉक इन करना चाहिए So these are the basically five points we have a located six ones also. So these are the five points which you need to know to be successful in this particular task. The first one is what is the timeline for this e-counseling process. The second one is check seat matrix in the portal. The third one is how do you lock your choices at the time of filling. The fourth one is prioritize your school choices. So we'll teach you using live demo okay, how to prioritize. The fifth one is the actual live demo. एंड एट द वेरी सिक्स पॉइंट वी विल टीच यू की इफ़ यू आर लुकिंग फॉर साइंग प्रिपरेशन क्लासेस हाउ यू कैन जॉइन एंड कनेक्ट विद डाबर्ट एडमी एज फार इज द टाइम लाइन इज कंसर्न एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन रजिस्ट्रेशन डेटिस्ट्रेशन डेट फॉर वॉज अनाउंस ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे एट ए एम एंड आपको जो अपने इट इज अपी सिक्स ऑफ मे इलेवन फिफ्टी फाइव पी एम मिड नाइट एंड रिजल्ट वुड बी अनाउंस ऑन थर्टीड then either you have to go ahead with yes i want to accept or you have to like pass on so you have to accept your allocated school by 2nd june 11:55 pm and then all those students who are called for medical examination verif or verification of documents the process will start from 3rd june onwards that's the basic timeline for third counseling so what is the meaning of seat matrix so what is the meaning of seat matrix for round 3 seat matrix basically means how many seats are still pending depending on

तो अभी आपके सामने एक जब लाइव डेमो होगा जब उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्कूल में कितनी सीट्स अभी भी बैलेंस हैं सो टू नो हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल वैकेंट इन योर गिवन सैनिक स्कूल वॉट यू नीड टू डू इज आपके पास ऑलरेडी आपका ओनली सैनिक स्कूल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन नंबर है एंड आई डी पासवर्ड है तो यू गो टू योर ई एस ए पैसा डॉट एन सी ओ जी डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल जिसमें आपने राउंड वन और राउंड टू में किया था देन यू गो टू सीट मैट्रिक्स वंस यू गो टू सीट मैट्रिक्स देन यू क्लिक ऑन स्कूल टाइप Here we have chosen scenic schools, which represent all scenic schools, and then for academic year two thousand twenty-four, and then you will have this table with all the details of which school, class, gender, and the number of seats. As you can see, uh, for the very first scenic school, I don't know the exact name. Number of home seats are two for SC. So for SC candidates, home state category, two seats are two seats are pending. For ST, one seat is pending. OBC eight seat. अन रिजर्व मीन्स जनरल कैटेगरी फॉर होम डिफेंसर स्टेट एस सी कैटेगरी आई मीन टू से कुछ आपको इसको टेबल को रीड करना है एंड देन फॉर अदर स्टेट एस टी यू हैदर अनू सी अदर स्टेट ओ बी सी फोर अदर स्टेट अन फॉर अदर स्टेट जनरल कैटेगरी द वेरी फर्स्ट सैनिक स्कूल इन टोटेलिटी थर्टी नाइन सीट्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर बॉयज

रिली really सी कि आपको कौन सी चॉइसिस करना है कौन सी चॉइस पर आपको कौन सा स्कूल चूज करना है दिस इज द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ टू प्रायोरिटाइज फॉर डिफरेंट पीपल देर आर डिफरेंट पैरामीटर्स बहुत सारे uh, जो पेरेंट्स हैं दे आर लाइक कि सर किसी भी अच्छे सैनिक स्कूल में हो जाए घर से दूर भेज देंगे देट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स द सेकेंड वन कूड बी कि सर डे वन पे भी, भी गेट दिस सैनिक स्कूल देन येस इफ़ यू डोंट गेट दिस सैनिक स्कूल से नो हमारा बच्चा अपने पास ही अपना जो जो भी लोकेलेटी है वट एवर इज द गुड स्कूल यूनिवर्सिटी वहीं पर एजुकेशन कंटिन्यू करेगा और अदर पीपल कुड बी इट्स मोर ऑफ लाइक सर वी कैन कंसिडर ट्रेवलिंग टू अदर स्कूल अदर स्टेट्स ऑल्सो बिसाइड्स गिवन द प्रायोरिटी इज द स्कूल शुड बी रियली गुड द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रियली गुड क्लास ट्वेल्थ में एनसीआरटी क्लास ट्वेल्व बोर्ड रिजल्ट एनडीए सेलेक्शन दीज आर वेरियस पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट पेरेंट्स सो इन आवर अंडरस्टैंडिंग वॉट यू कैन डू इज ऑफकोर्स वाइल प्रायोरिटाइजिंग जब भी आप आपके पास राउंड थ्री अभी है नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल हैं आपके बच्चे के कितने मार्क्स हैं नंबर ऑफ सीट्स लेटर नंबर ऑफ सीट्स इज रियली गुड इन गिवन कैटेगरी टेन सीट्स जनरल कैटेगरी में बट अगर आपके बच्चे के मार्क्स आर नॉट अप टू मार्क देन इट्स नॉट वर्थ इट देन You have to check your child's rank available with us. Basically, what we mean is we have this. Let me just take you in our internal research. We have prepared this report. We have month. We have state-wise rank of students. So let us suppose you are from Bihar. So we have this data of all the students from Bihar. Let me just expand on the name column. Okay. So what we can do is ki, if you wish to see what is your rank according to category, then let me apply one more filter okay. so mm -hmm. this is for defense person so if i select certain cells i don't know what was the number of seats because we have two senic schools in bihar so let us suppose ki i choose these 40 okay 40 okay we have few females also girls keeping in isme rank but let us suppose ki if in totality there are two senic schools in bihar and we had 40 seats for defense category students

गुड सैनिक स्कूल इज अलाइनिंग विद यर एस्पिशन सैनिक स्कूल एजुकेशन इज मेयरली अबाउट डेवलपिंग द राइट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस ठीक है तो इफ यू सी कि आपका बच्चे का जिस स्कूल में अभी सीटा लोकेशन होगा अगर वो स्कूल आपके एस्पिशंस के अकॉर्डिंग है देन प्लीज सेंड इट सेंड हिम ओर देयर फॉर ट्रेनिंग द बेसिक आउट्स एक रिसर्च इज डन देन यू कैन प्रायोरटाइज बाई लॉगिंग इन टू योर अकाउंट ऑन द एन टी ए पोर्टल

तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका राउंड थ्री के लिए ऑप्शन ओपन रहेगा बट अगर आपने कुछ नहीं किया इट मीन्स यू आर ऑटोमेटिकली एग्जिटेड एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने पास ऑन ऑप्शन नहीं किया तो आपको ई e काउंसलिंग से ही एग्जिट कर दिया जाएगा इट मीन्स यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड थ्री फोर फाइव सिक्स इन गिवन द केस कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं देन ऑल्सो एंड बिसाइड्स दिस ईयर देर इज नो मैथोडोलॉजी फॉर अपील ऑल्सो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड देन लेट अस गो हेड विद 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 लाइव लाइव डेमो डेमो फॉर वी हैव लेट अस सपोज देयर इज दिस कंडीशंस फॉर क्लास 6 लेट अस अज्यूम द पैरामीटर्स आर ही इज अ बॉय होम स्टेट कैटेगरी उत्तराखंड फर्स्ट चॉइस इज गोराखल एंड कैटेगरी जनरल ठीक है सो नाउ लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन ऑलराइट सो दिस इज द official data which we have procured from the national testing agency uh, e-counselling portal so according to the condition which i just told you the boy is from Uttarakhand and he has applied for School gorakhal so let me just move to School gorakhal here it is okay here it is class 6 boy and what we can do is he is from general category okay so for home state as you can see so this is what it is

And then click on this, which is sort function Z to A. Okay. So once you click on Z to A, now what we are going to do is now you have to like really observe for home state defense. Sorry, for home state general category, the largest number of vacant seats are lying with. Let me just push it closer so that you can score he, it. And here it is, home unreserved. So, Seniskul School Rewari still has eighteen seats in general category. Then we have Pungulwa, Chandrapur, uh, Kodagu, Amethi, Kalikari, and so on. Pay attention. So, based on what you just saw, let me just start writing over here. So, what you are trying to do is you are basically using Sainik School Gorakhpur. or Sainik School we saw that for general category, how many seats are left? Three seats are left. इट बट एज इज अजु रेवारी स्टिलइंड ऑफ लॉक्ड आप होम स्टे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सोन वॉट यू कैन डू इज यू कैन लुक एट द स्क्रीन विच आई जस्ट शो विच आई रिफ्लेक्टेड सो वी हैव रेवारी वुड बी द सेकेंड चॉइस डिपेंडिंग ऑन की आपके लिए ज्योग्राफिकली ट्रेवल करना पॉसिबल है देन वी कैन हैव पुंगलवा विच इज लाइक ऑर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड देन वी हैव चंद्रपुर विच इज इन महाराष्ट्र ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज समथिंग देट कैन वर्क फॉर यू चंद्रपुर एंड देन नेक्स्ट वी हैव कोडेगू एंड देन वी हैव अमेठी सो दीज आर द स्कूल्स विद द हाइस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर जनरल कैटेगरी ठीक है बट यही चीज आप क्या करना चाहेंगे इफ यू विश टू गो हेड विद इफ यू विश टू गो हेड विद ओबीसी देन व्हाट वी कैन डू इज अगेन वी कैन राइट क्लिक एंड देन सॉर्ट दिस यूजिंग ज टू ए फंक्शन सो वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल आर विद अगेन चिंगचिप 12 ओडगु 12 चंद्रपुर 9 रेवारी 8 राइट right? हलीकरी 8 बीजापुर 8 एंड सॉर्ट ठीक है सो दैट वाज द लाइव डेमो and this could be done for any given category now let's move to a similar set of calculation for class 9th okay so for class 9th let us assume that again we have a boy who is from the home state in this category in this case let us assume he is from Haryana first choice so is any Sukhanshwara and the category is general okay so now let me take you to the sheet which we have prepared for class 9th this sheet which you can see on your screen shows he uh, how many seats are still pending for different schools, all India Sanic schools, in case of class 9th? Okay, so we have this 3 is for both boys and girls. And now let me move to Sainik school Kunshpura, Kunshpura class 9th boys. And uh, the boy is from which category? It's from general category, so home unreserved basically means there are two seats. Okay, so again, what I'm going to do is I'll just select this one and let me just push it closer to the left hand side and here it is okay so these are the number of seats for home unreserved okay that's what it is perfect okay now first choice is already logged but now what we'll do is again we'll right click sort z to a and then we have the largest number of we have arranged the entire pools in the priority order of so all these seats are as you can see for boys Okay, we have few seats from girls. From this point onwards, these are for Golpara. golparam we have one seat for general category. And here it is. Okay, so you can choose according to. For Rewari, we have eight seats. For Kapurthala, we have still have four seats. For class nine boys, Golpara three, Tilaya three, kodagu three, and so on. So in our research, this kind of calculation is really helpful. इन योर केस आई बिलीव आफ्टर वॉचिंग थ्रू दिस वीडियो अगर आपने डिटेल में समझने की कोशिश किया है तो नॉट जस्ट फॉर जनरल कैटेगरी एस सी एस टी डिफेंस ओ बी सी एन सी एल जो भी आपका कैटेगरी है उसके लिए आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको अप्लाई कर अपनी जो स्कूल चॉइसिस हैं उनको इंटेलिजेंटली लॉक कर सकते हैं लास्ट सेक्शन फॉर दिस वीडियो ये हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया साइंस फॉर एंट्रांस एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी एट डाबर्ड एकेडमी वील रन अजली पॉपुलर वेरी इफेक्टिव वेरी एफिशियंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वी हैव बेसिकली थ्री मॉड्यूल्स इन विच यू कैन The three modules are, so at first we have our offline hostel facility classes at Dabad Academy Gurgaon. It's in the proper heart of Gurgaon city, very beautiful campus. So, you can join us for hostel schooling program. The second possibility is at Dabad Academy in Delhi. In Delhi, we are just situated nearby to Delhi Kent Army area. So, you can join us for evening offline classes. For third option, you can join our training programs online classes via Senex School app. So, again it's a very effective... So thoroughly refined, revised. Last year also, we had a large number of selections by online classes. And if you wish to know more, please connect with us on the given contact number, which is displayed on the screen. Thank you so much for your time. If you have more questions, please ask them in the comment box. We would love to help you. Up school choices, please comment box. We'll try to help you. Make sure you join the Academy Telegram channel. The joining link is provided in the description box. So we'll connect in the next video.